सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने महा डिबेट च जाने तो किया इनकार। डिबेट च पंजाब मुद्दियां ते चर्चा, बहस च SYL बारे चर्चा ना होने ते डिबेट च हिस्सा लैण तो जाखड़ ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट जाने तो पहला राजपाल पुरोहित का बदलिया रुख, दो मनी बिलों नूं दित्ती मंजूरी, GST सोध बिल 2023 नूं भी दित्ती मंजूरी। गाजा के सब तो वड्डे रिफ्यूजी कैंप से इजराइल ने किया हवाई हमला, 50 लोगों की हुई मौत। गाजा शहर के सब तो वड्डे शरणार्थी कैंप से हमले का दावा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। मैं पंजाब बोलता हाँ दी महा डिबेट लुधियाना दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच रखी गई है। इस डिबेट विच पंजाब दे मुद्दियां ते चर्चा की जा रही है। उधर भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने खुली बहस विच आउण तो इनकार कर दिता। उन्हें ट्वीट करके इसकी जानकारी सांझी की है। जाखड़ ने ट्वीट करदे कहा कि जेकर बहस च SYL बारे चर्चा नहीं होगी तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हें कहा कि SYL मुद्दे तो लोगों का ध्यान हटाने लिए यह बहस करवाई जा रही है ता जो लोगों का ध्यान SYL वाल ना जाए। भाजपा आगू जाखड़ ने कहा कि भगवंत मान जी बहुत वधिया कॉमेडियन ने, इसलिए इस बहस में कुछ सार्थक होने वाला नहीं जापता। उन्हें कहा कि SYL मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी कि मान साहब तुसी गंभीर हो, क्योंकि जे तुसी मजाक कर रहे हो तो मजाक तुहाडे ते ही है। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए तीन मनी बिलों से इतराज जताया गया, जिस तो बाद मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया, जिस दे तुरंत बाद राजपाल के तेवर नरम पै गए तो इन्होंने वालों सुप्रीम कोर्ट जाने तो पहला ही दो मनी बिलों नूं प्रवानगी दे दी गई है। विधानसभा सैशन बुलाने लई पंजाब सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दायर की गई सी ते इस ते सुनवाई 3 नवंबर नूं होनी सी, पर इस तों पहला ही राजपाल ने दो मनी बिलों नूं मंजूरी दे दित्ती है। एक GST सोध बिल 2023 है जिस तहत राज विच GST अपीली ट्रिब्यूनल बनाए जाने ने, जबकि दूजा बिल गिरवी रखिया जायदादां ते स्टैंप ड्यूटी लाउण बारे है। पंजाब वित्तीय जिम्मेवारी ते बजट प्रबंधन बिल 2023 नूं मंजूरी नहीं दित्ती। हमास विरुद्ध इजराइल की फौजी मुहिम जारी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक हमास द्वारा चलाए जा रहे सेहत मंत्रालय ने कहा कि शरणार्थी कैंप के इजराइली हमले च घट्टो घट 50 लोग मारे गए ते 150 के करीब जख्मी हुए, जदों कि दर्जना लोग मलबे हेठा दब गए। कथित हमले बारे इजराइल वालों अजे तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। गाजा के गृह मंत्रालय ने कहा कि इजराइली हवाई हमलों ने उत्तरी गाजा में जबलिया शरणार्थी कैंप के एक रिहायशी खेत्र में अपार्टमेंट ब्लाकों को निशाना बनाया, जिस में सैकड़े लोग मारे गए और जख्मी हुए। एक रिपोर्ट के अनुसार नेड़े के इंडोनेशियाई हस्पताल के डायरेक्टर ने भी कहा कि 50 लोगों की मौत हो गई है। कपूरथला के पिंड संधु चट्ठा च पति वालों पत्नी का कतल करने की घटना की CCTV फुटेज सामने आई, जिस में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह उकत पति सुखदेव सिंह ने सवेर की सैर करने तो बाद अपनी पत्नी हरप्रीत कौर का कतल कर दिता, जो कि कोनी वापस परत्या सी। अपनी महिला साथी के नाल घर आ गया, उत्थे उसके पहला तो मौजूद पति सुखदेव सिंह उर्फ मक्खन ने पहला अपनी पत्नी नूं बेरहमी नाल घर के गेट के अंदर धक्का दिता, फिर उसकी पत्नी के पहने हुए कपड़े उसके गले च बन के ला के रख दिते। उसका गला घुट के उसनू घर के अंदर लै गया, फिर उसनू जमीन से सुट दिता, जिस कारण उसकी मौत हो गई। मणिपुर च तेंगनोपाल जिले के मोरहे विच शक्की कबायली अतवादियों ने एक उपमंडल पुलिस अधिकारी का गोली मार के कतल कर दिता है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने दसिया कि मोरहे के SDPO चिंगथा मानंद नूं समय गोली लगी, जदों उह पुलिस पार्टी नाल अतवादियों के एक समूह कूकी जो भाईचारे के प्रभाव वाले सरहदी कस्बे नवे बने हैलीपैड के निरीक्षण लिए गए सन। उन्होंने कहा कि SDPO नूं मोरहे के एक सेहत केंद्र च लिजाया गया, जिथे उन्होंने दम तोड़ दिता है। घटना कई नागरिक समाजिक संगठन खास करके मोरहे स्थित संगठन वालों सरहदी शहर तो सुरक्षा कर्मियों हटाने की मांग किए जाने के कुछ हफ्ते बाद वापरी है। कपूरथला के पिंड सिद्धवा विच देर रात नौजवानों के दो गुटों में हुई लड़ाई कारण गोली लगन कारण एक नौजवान की मौत होने की खबर सामने आई है। घटना समय मृतक के नाल मौजूद उसके एक साथी ने दसिया कि मृतक विजय उर्फ चीकू वह रात में पिंड के एक पार्क में बैठा, जदों मृतक ने एक होर गिरोह के नौजवानों का फोन आया तो उन्होंने उस नाल फोन से गाली गलोच करना शुरू कर दिता, जिसका चीकू ने विरोध किया। तो 25 के करीब 30 नौजवान पार्क में पहुंचे, उन्होंने उसनों देख के मृतक विजय के करीब 3 गोलियां चला दी, गोली उसके पेट च लगी, जिस कारण उसकी मौत हो गई है। तो सारे उतों भज गए,
उन्होंने पुलिस प्रशासन को मामला दर्ज करके दोषियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, जबकि दूसरे पास पुलिस प्रशासन ने इस संबंधी केस दर्ज कर लिया। राजस्थान के सबका उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी पत्नी सारा पायलट तो वक्त हो चुके हैं, दोहां विचाले तलाक हो चुके हैं। दरअसल चुनावी हलफनामे च सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा दसिया है। सचिन ने टोंक विधानसभा सीट तो नामजदगी कागज भरे ने। नामजदगी भरन दौरान सचिन पायलट ने जो एफीडेविट दिता उस पत्नी के नाँ के अगे तलाकशुदा लिखा हो। दस दिए कि साल 2018 विधानसभा चोणों सचिन ने अपने हलफनामे सारा पायलट का भी जिक्र किया, उन्होंने जायदाद का भी वेरवा दिता सी, पर 2023 के हलफनामे उन्होंने खुद को तलाकशुदा दसिया। दस दिए कि जनवरी 2004 सचिन से सारा का विआह होया से इस विआह च बहुत घट लोगों को सदा दिता गया से। सचिन से सारा के वक् होने के चर्चे पहला भी हो चुके हैं। 2014 की लोकसभा चोणों दौरान सचिन से सारा के वक् होने दर्चावं सन, पर उस समय इन्होंने अफवाह दस के खारिज कर दिता से। सारा जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता से सबका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की धी है। दुनिया के कई देश गैर कानूनी प्रवासियों के संकट का सामना कर रहे हैं। जर्मनी ने यूक्रेन के 10 लाख तो वध लोगों को पनाह दी है, पर इस दी आड़ विच कई गैर कानूनी प्रवासी भी दाखिल हुए हैं। पूरे साल दौरान जर्मनी विच गैर कानूनी प्रवासियों की गिनती विच भारी वाधा होया, हुण जर्मनी की कैबिनेट ने एक नवे बिल नूं मंजूरी दी है जिस राही गैर कानूनी प्रवासियों को रिपोर्ट किया जा सकता है। हुण तक 2 लाख गैर कानूनी प्रवासियों चों 12,000 नूं उन्हां दे देश रिपोर्ट किया जा चुका है। नवे बिल विच पुलिस नूं होर शक्तियां दित्तियां गईआं ने। पुलिस गैर कानूनी प्रवासियों को 10 की बजाय 28 दिनों के लिए हिरासत में रख सकेगी, बेतरतीबे तौर पर ID फोन से कंप्यूटर की जांच करने योग होगी। पुलिस गैर कानूनी प्रवासियों के लिए थर्ड पार्टी के घर की तलाशी ले सकेगी। अपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को तुरंत रिपोर्ट किया जा सकता है। नवंबर महीने के शुरू में जनता को बड़ा झटका लगया। पहले दिन LPG सिलेंडर की कीमतों में वाधे का ऐलान होया, हर महीने की पहली तरीक को तेल मार्केटिंग कंपनियां LPG दी कीमतों में सोध कर दिया ने। त्योहारों के सीजन दौरान 30 अगस्त को सरकार ने 14 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करके आम लोगों को बड़ी राहत दी थी, पर व्यापारिक गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार वाधा होता रहा। इस महीने की पहली तरीक यानी कि आज तो एक बार फिर झटका लगे, 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 103 रुपए का वाधा किया गया। दिवाली तो पहला गैस की कीमतों में वाधा व्यापारिक उपभोक्तावां दी जेबां ते भारी पड़ेगा। टाटा ग्रुप देश के सब तो पुराने कारोबारी घराने चुके हैं। हाल ही च पछमी बंगाल च सिंगूर च चल रहे पुराने सिंगूर जमीन विवाद नूं टाटा ग्रुप ने जित के एक वड्डी सफलता हासिल की है। हुण ममता बैनर्जी की सरकार नूं ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स नूं 766 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पवेगा। दस दिए कि पछमी बंगाल के सिंगूर च टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट नूं ममता बैनर्जी की सरकार तो पहला ही खब्बे पक्षी सरकार ने मंजूरी दी सी, जिसके मुताबिक बंगाल की इस जमीन से रतन टाटा का हक है। इस जमीन से टाटा द्वारा नैनो दे प्रोडक्शन लिए कारखाने को स्थापित किया जाना सी। जिस समय टाटा ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली सी उस समय बंगाल च खब्बे पक्षियों की सरकार थी, उदो ममता बैनर्जी खब्बे पक्षी के विरोध सी ते उन्हां दी नीतियां दे खिलाफ सी। तेलुगु देशम पार्टी के मुखी एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश हुनर विकास निगम मामले में हाई कोर्ट तो अंतरिम जमानत मिलने मगरों देर शाम केंद्रीय जेल चो बाहर आ गए ने। 53 दिन जेल में बिताने तो बाद नायडू बाहर आए ने। बाहर आने से नायडू का उन्होंने परिवार पार्टी आगुआ ते समर्थकों वालों निघा स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी गिनती में TDP समर्थकों ने अपने आगू की रिहाई से सूबे भर में जश्न मनाए। इस तो पहला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सेहत के आधार से TDP मुखी नायडू को 4 हफ्तों लिए अंतरिम जमानत दी थी। नायडू वालों पेश हुए वकील ने अदालत में दसिया कि उन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। अदालत ने नायडू को 28 नवंबर या इस तो पहला राज महेंद्रम स्थित केंद्रीय जेल के सुपरडेंट सामने आत्म समर्पण करने के हुक्म दिए। भारत तो थाईलैंड की यात्रा का प्लान कर रहे लोगों लिए चंगी खबर है। उन्होंने थाईलैंड की यात्रा लिए हुण वीजे की लोड़ नहीं पवेगी। थाईलैंड के सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि भारत के ताइवान तो आने वाले लोगों लिए वीजा जरूरतों नूं माफ कर दिता जाएगा। यह छोट अगले महीने तो मई 2024 तक दी जाएगी। थाईलैंड सरकार के बुलारे चाई वाचरोंगके ने कहा कि भारत के ताइवान तो आने वाले लोग 30 दिन बिना वीजा थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड यात्रियों लिए अपने वीजा नियमों ढील देने की संभावना भाल रहे हैं, जिस विच वीजा छोड़ के सैलानियों लिए ठहरन की म्याद का विस्तार करना शामिल है। फिलहाल भारत के यात्रियों ने 2 दिन के थाईलैंड वीजे लिए 2,065 लगभग $57 का भुगतान करना जरूरी है। हुण नजर मारते हैं अज के मौसम के हाल दिवाल।
इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।